सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 12 दिसंबर को संत जेन फ्रांसिस दी चांटल का पर्व मनाती है। उनका जन्म 28 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ था। वे मात्र 18 महीने की ही थी कि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने घर पर ही एक निजी अनुशिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण की थी। जब वे 21 वर्ष की हुई तब उनका विवाह बरोन क्रिस्टिफे दी रिब्यूटिन चांटल से हुआ। विवाह के 7 वर्षों के बाद वे विधवा हो गई थी। उनकी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र था। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी देखभाल की और उन्हें शिक्षित करवाया। वे नम्रता और सहनशीलता वाला जीवन व्यतीत करती थी। जब वे 32 वर्ष की हुई तब वे अपने पिता के घर पर अपने आत्मिक गुरु संत फ्रांसिस दी सेल्स से मिली और संत फ्रांसिस के निर्देशानुसार उन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और दोबारा विवाह न करने का प्रण लिया। अपने परिवार के प्रति सब जिम्मेदारियों को निभाने के बाद संत फ्रांसिस दी चांटल ने अपने 2 साथियों के साथ 10 जून 1610 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ विजिटेशन ऑफ आवर लेडी नामक संस्था की स्थापना की। 23 अप्रैल 1618 ईस्वी में संत पिता पॉल 5वें ने उन्हें रिलीजियस ऑर्डर में शामिल किया। 1622 ईस्वी में उनके आत्मिक गुरु संत फ्रांसिस दी सेल्स की मृत्यु हो गई थी और 1627 ईस्वी में उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी खो दिया था। उसके बाद फ्रांस में एक महामारी फैल गई जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। तभी 13 दिसंबर 1641 ईस्वी में संत फ्रांसिस दी चांटल की भी मृत्यु हो गई थी। उन्हें संत फ्रांसिस दी सेल्स की कब्र के पास ही दफनाया गया। 21 अगस्त 1751 में संत पिता बेनेडिक्ट 14वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और 16 जुलाई 1767 ईस्वी में संत पिता क्लेमेंट 13वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए आज हम भी संत फ्रांसिस दी चांटल के माध्यम से प्रभु से सहनशीलता और नम्रता वाला जीवन मांगें।